और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रमेश कुमार शर्मा का जनसंपर्क अभियान जारी है। आपको बता दें कि अपनी खुली कार में जनसंपर्क अभियान पर निकले रमेश कुमार शर्मा ने लोगों से अपने लिए वोट मांगा। बता दें आपको कि पाटलिपुत्र सीट से सबसे अमीर प्रत्याशी रमेश कुमार शर्मा है। बताया जा रहा है कि रमेश कुमार शर्मा इन दिनों धुआंधार जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं और रमेश कुमार शर्मा की माने तो लोग उन्हें जननेता के तहत देख रहे हैं और उन्हीं को वोट भी करेंगे। वहीं रमेश कुमार शर्मा ने कहा है कि उनकी जीत तय है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो रमेश कुमार शर्मा पाटलिपुत्र सीट से लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। रमेश कुमार शर्मा ने चुनावी मैदान में उतरने से पाटलिपुत्र सीट से एनडीए और महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। न्यूज़ 11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।